What's up Cap Gang, welcome back to another PUBG Mobile video. और इससे पहले हम अपने दो कीड़े के जॉर्ज बोल में जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ जाएँ, उससे पहले अगर तुमको अपने दो कीड़े के गेम प्ले को 10 कीड़े या 15 कीड़े करना है और अपने आप को अच्छा प्रो प्ले बनाना है और अपने डिवाइस को लैग फ्री और फ्रेम ड्रॉप्स फ्री करना है तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐप लाया हूँ और ये ऐप आपके बहुत काम आने वाली है। इस ऐप का नाम है नॉक्स क्लीनर ऐप और आप इसे बड़ी ही आसानी से प्ले स्टोर पर ढूंढ सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये एक फोन क्लीनर ऐप है। और अगर आपके पास ये वाली ऐप है ना तो सही बताऊं आपको और किसी ऐप की जरूरत भी नहीं आपके फोन में। अगर आपको लग रहा है कि आपका फोन भरे जा रहा है और आपके फोन की परफॉर्मेंस कम हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच में जाके स्कैन का बटन दबाना है एक बार, वो सारा का सारा डाटा जो कि तुम्हारे फोन के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा फालतू का डाटा ये अपने आप स्कैन कर लेगा तुम्हारे फोन से यूजलेस डाटा। तुम्हें बस एक बार क्लीन बटन पे दबाना है और उसके बाद देखो पूरा का पूरा फोन साफ। और यही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका फोन स्लो हो रहा है तो आपको बस जाके मेमोरी स्पीड अप पे एक बार क्लिक करना है और उसके बाद ही अपने आप जो फालतू की मेमोरी चल रही है बैकग्राउंड डाटा और वो सब फालतू का सामान जो बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स है वो अपने आप स्कैन करके वो ऑप्टिमाइज कर देगा। और साथ में तुम बस एक एंटीवायरस नाम के बटन को नीचे दबा सकते हो बॉटम लेफ्ट में और अपने आप वो तुम्हारा फोन स्कैन करके कोई भी अगर वायरस छुपा होगा जो कि तुम्हारे पबजी गेम को स्लो करने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप ढूंढ के उसे पकड़ लेगा। और गेम बूस्ट नाम का एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें जिसकी वजह से तुम्हारा जो पबजी नाम का बहुत ही शानदार गेम है उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा, लैग और फ्रेम ड्रॉप्स कम होंगे। और साथ ही में इसके अंदर तुम्हारे व्हाट्सएप के लिए एक स्पेसिफाइड क्लीनर है, मतलब अगर तुम्हारा व्हाट्सएप ज्यादा खराब चल रहा है जैसे लैग कर रहा है वो सब तो तुम उसके अंदर भी अपना डाटा क्लियर कर सकते हो जाकर। और इन सब चीजों के साथ इमेज मैनेजर भी है, मतलब कि तुम्हारी जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा, स्मॉल इमेज, बिग इमेज, स्क्रीनशॉट, वीडियोस, ब्लर इमेजेस एक्सेट्रा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फोन इतना ज्यादा गर्म हो गया पबजी खेलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जाओ सीपीयू कूलर पे एक बार दबाओ और बस तुम्हारा फोन ठंडा कूल हो जाएगा फ्रेंड। और अगर तुम्हें घुस के अपना फोन साफ करना है तो फिर तो भैया डीप क्लीनिंग हमारी एक खतरनाक चीज है ही। जल्दी जाओ फ्रेंड नीचे जाके नॉक्स क्लीनर डाउनलोड करो और अपने पबजी को बिना लाइक। इसी के साथ हम आ गए हैं जॉर्ज पुल में अपने सीजन से इसके प्यारे से इस बताए हमारे साथ हुई है गन फाइट। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमने यहाँ पे दो स्क्वाड्स के साथ स्कैम कर दिया बिकॉज हम लोगों ने करी बहुत ही खतरनाक वाली स्पीड ड्रॉपिंग, मतलब मैं तो उतरते वैसे नॉकआउट हो गया, लाइक मतलब मेरा किस्मत थोड़ा खराब था वैसे गाइस, बट कुछ नहीं, तुम्हारे दो कीड़े के मैक्शन वाई किस दिन काम आएंगे, वो भागे भागे आते रहे हमें बचाने। तो तुम्हें बता दो तो हमने करा स्प्लिट ड्रॉप यहाँ पे और हमने बहुत ही खतरनाक स्प्लिट ड्रॉप करा है, हमारा एक बंदा उतरा है थ्री वेयर हाउसेस के जो पास वाला कंटेनर है वहाँ, मैक्शन राइट साइड के कंटेनर पे उतरा था, मैं यहाँ उतरा था, वो टेक्स सॉरी विशाल पीछे उठ रहा है, वो नोबड़ा सा बच्चा पता नहीं किसका खोया हुआ बच्चे की पता नहीं क्यों याद थी रेत मेरे को। एनीवेज तो विशाल पीछे लूट रहा है शारिक और इसको तो अंदर ही नहीं पड़ रहा कि नॉकआउट हुआ, मतलब कितने नोबड़े दोस्त है मेरे ये, इनको शर्म भी नहीं आ रही भाई, इनका एक नोबड़ा बंदा मरा पड़ा है यहाँ उसके मदद करने भी नहीं आ रहे। एनीवेज हमारे मैक्सन भाई किसी दिन काम आएंगे, आखिरकार असली दोस्त काम आते ही हैं। तो मैंने जो बंदे को नॉकआउट कराया था भाई वो तो नॉकआउट हो गया, मतलब खत्म ही हो गया, उसकी स्क्वाड ही किसी ने उड़ा दी पूरी। तो इतने में हमारे पे एक दूसरी स्क्वाड ने पुश कर दिया, मेरे पे सिर्फ M7 की 13 गोलियां थी तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से TPP ले रहा हूँ और कुछ तो कर नहीं सकता। और इतने मेरे बाकी दो तीन जो नोबड़े दोस्त थे वो भी मचाने वो चूने आ गई मेरे को यहाँ पे, तो विशाल ने मौली करा और मैंने इसी के साथ पुश कर दिया कॉस, मेरे को पता था ये बंदा जल रहा होगा, इसके सीने में आग लग रही होगी और इसका सही में ऐसी आग लग रही थी कि बंदा हवा में उड़ते उड़ते नॉकआउट हो गया, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा इसके लिए कॉस, लिटरली यार ये बंदा इतना खुशी से आके वहाँ लेटा था सबके सामने और फिर ये हवा में उड़ते उड़ते सुपरमैन टाइप नॉकआउट हो गया। सो आई वॉज लाइक वाओ ये हुआ क्या, बट एनीवेज तो ये जो डार्क नाम की स्क्वाड है यहाँ पे आखिरी स्क्वाड बची जॉर्ज पूल में कॉस, इन्होंने एक स्क्वाड मार दी थी और अभी आखिरी स्क्वाड है और इसकी भी आती है, मैंने दो बंदे खा चुके हैं तो मतलब दो नोबड़े बचे हैं कहीं पे, बच्चे पूछे नोबड़े कहीं छुपे होंगे, तो अभी हम बहुत ही आराम से घूम रहे हैं, लाइक अकेला कोई नहीं जा रहा। अगर तुम देखोगे ना जॉर्ज पूल में या फिर नोवो में क्या होता है, ये पोचिंगी में भी यही होता है, अगर तुम्हारे स्क्वाड का लाइक तुम्हारे अपोनेंट स्क्वाड का एक आखिरी बंदा बचा वो क्या करेगा, तुमको मार के पूरे खाने की कोशिश करेगा, लाइक ये जो बंदे होते हैं ना बहुत ही नोबड़े टाइप लगते हैं मेरे को, हालांकि मैं भी वैसे ही हूँ, मतलब अगर मेरे स्क्वाड में मैं आखिरी बंदा हूँ ना और मैंने तुम्हें गलती से नॉकआउट कर दिया भैया मैं मर जाऊंगा बट तुम्हारी क्रेट साथ में लेके जाऊंगा, तो भाई वो तो लाइक ऑब्वियसली सीन है ऐसा कि आखिरी बंदा होता है तो एक बंदा तो मार के खा के जाता ही है लाइक सेटिस्फेक्शन के लिए। और इतने में हमारे दोस्तों ने मंगा ली बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्लेयर ड्रॉप, हमारे दो कीड़े के मैक्सन भाई तो लाइक ग्रोजा वरोजा के पीछे पागल पूगल से हो रहे हैं और आखिरी बंदा एक्चुअली वहाँ पर था इनका, वहाँ से गोली गोली सी मांग रहा था पता नहीं क्यों ये, तो मैं गया यहाँ पे और मैंने उठाई DP और साथ में उठा ली तुम्हारे भाई ने UZ सर UMP और फिर मेरे को यहाँ पे मिल गई थी MK। हाँ देखा ये एक्चुअली दूसरी फ्लेयर ड्रॉप थी। और तुम्हें एक सही चीज़ बताऊँ, मैं मेरे में ना DP में गोलियाँ हैं ना MK में गोलियाँ और मैं दोनों गन लेके ऐसे घूम रहा हूँ जैसे मेरे को कोई मार ही नहीं सकता गब्बर स्टाइल में, कॉज देख रहे हो
गोली के नाम पे है मेरे पे तो घंटा, यहाँ तक कि फ्लेयर तक की भी गोली नहीं है। मन कर रहा है किसी के मुंह पे पंच मार के उससे गोलियां छीन लूं, बट किसी पे भी गोली नहीं है। और मैं गिली सूट बना फिर तो रहा हूँ पूरे सैवेज मोड में, अगर कोई मेरे को देखेगा डर जरूर जाएगा। मेरे पास गन्स ऐसी, बट उसको ये नहीं पता होगा ना कि हमारे पे गोलियां नहीं है। अब उसे क्या पता होगा कि हम पे गोलियां नाम की चीज ही नहीं है। तो लाइक पहले तो मैंने सारे कंटेनर लूटे, और सही बताऊँ किसी भी लाइक सीरियसली किसी भी कंटेनर में घंटा लूट नहीं थी 7 AMO की। तो लाइक मैं परेशान पुरुषन हो गया था। लाइक मैंने अपने मैक्सटन भाई को बोला, मैक्सटन भाई गोलियां दे दो। मैक्सटन भाई ने बोला मैं मेरे पे खुद गोलियां नहीं है। तो मैंने कहा भाई वाह क्या गेम है, भयंकर अजीब ही गेम है, किसी पे गोलियां ही नहीं है। हालांकि मेरे को पता है ये सब नोडों पे गोली होगी, मेरे को देना नहीं चाह रहे होंगे, पर 200-200, 300-300 गोली रखते हो, मेरे को घंटा कुछ नहीं देते। बट अब बुरा भी तो नहीं मान सकते इन नोबड़ों का, तो कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैं सबको नोबड़ा नोबड़ा जो भी बोलता हूँ मजे के लिए बोलता हूँ। कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, अब आप सीरियसली ले लेते तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय ये कहने के लिए कि ये मजाक होता है फ्रेंड्स। एनीवेज तो अगर तुमने वैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब कलर का जो लाइक सब्सक्राइब कलर का वाओ दिमाग देख रहे हो लड़के का, ज़्यादा ही टीपी भी लेकर के ऐसा दिमाग होता है। बच्चों 6 घंटे ज़्यादा पबजी मत खेलो, नहीं तो हमारे जैसा सब्सक्राइब नंबर लाइक सब्सक्राइब नाम का एक कलर भी आ जाएगा तुम्हारे मुंह में। एनीवेज तो जो सब्सक्राइब बटन है ना नीचे लाल कलर का, उसको जाकर के प्यार से दबा दो। अगर ज्यादा जोर से दबाओगे तो तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हारी जो 2 किड़ी की स्क्रीन है वो टूट जाएगी, और जो तुम्हारा जो 2 किड़ी का फेविस्टिक है और फेविकॉल है उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। तो बड़े ही प्यार से अपने 2 किड़ी की स्क्रीन को दबाना, कहीं टूट टाट गई तुम्हारे मैक्सटन भाई परेशान हो जाएंगे, कॉज उनको फिर स्पॉन्सर करनी पड़ जाएगी नई स्क्रीन। एनीवेज तो अभी यहाँ पे हमको मिल गई थी ये प्यारी सी ट्रिपल सीटर, जहाँ पर हम अपनी ये दोस्ती करके हम गा के जा रहे थे, और बड़े ही प्यार से जा रहे थे आगे डासिया लेने। बट हमें का पता था कि हमारे शारिक भैया जो हमारे चौथे दोस्त हैं, जो हमारी ट्रिपल सीटर पर नहीं है, उन पर आके एक स्कॉट चिपट जाएगी। जैसे कि लाइक रात को भूत आके चिपटता है ना, वैसे इनके मुँह पर आके एक स्कॉट ही चिपटेगी। बोला कि भैया आज शारिक भाई को मार के ही जाएंगे। बट उन्हें का पता था कि शारिक भैया अकेले नहीं है, उनकी पूरी स्कॉट जिंदा है अभी। तो भाई मैंने जल्दी से सामान वामान उठाया, यहाँ पर लूटा पूटा, यहाँ पर मेरे को एक्चुअली स्नाइपर कंपनसेटर मिल गया, जो कि मेरी एमके के लिए बेस्ट है। लाइक क्या गने यार एमके, एक तरफा मारती है लोगों को, लाइक एक तरफा लाइन में खड़े होकर चप्पल ही चप्पल थप्पड़ ही थप्पड़ मुक्के ही मुक्के और गोलियां ही गोलियां मारती है भाई, गोलियां ही गोलियां। और ये दो पूरी की पूरी जो स्क्वाड है ना, वो आके इन 2 घरों में बैठ गई थी। मेरे को पता नहीं क्यों भाई, इससे अच्छा तो तुम रोटेट रोटेट मार के जॉर्ज पूल में घुस जाते। पता नहीं कौन से सस्ते नशे करे हुए इन नुबड़ों ने, वहां जाकर के 2 केड़े के घर में घुस गए, 2 छोटे छोटे से जो घर है। मैंने मैक्सटन भाई को बोला लेट्स गो, फ्लैंक मारते हैं इन पे। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने लगाया दिमाग, बोला पीछे घुमा करके मारेगा इन्हें। तो अभी इन लोगों ने नोटिस नहीं किया मेरे को, मैक्सटन को ऐसे निकलते हुए हम चुपचाप लेफ्ट से रोटेट मार दें इनके मुंह के सामने से। पता नहीं कौन से नशे करके बैठे हुए, लिटरली देखा ही नहीं उन्होंने हमें, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, पबजी खेलते हैं। भाई रात के 4 बज रहे हैं, इसका ये थोड़ी मतलब है कि सो ही जाओगे खेलते खेलते भैया। एनीवेज तो मैं गाड़ी घुमा करके यहाँ पीछे ले आया और चुपचाप बैठा यहाँ, और मैंने देख लिया था कि इनका एक बंदा पीछे वॉल पे खड़ा टीपीपी ले रहा है। लेकिन पता ही नहीं इनके साथ क्या स्कैम होने वाला है, हमारे 2 बंदे आगे 2 बंदे पीछे हैं और इनको चारों तरफ से हमने घेर लिया है। तो मैंने मैक्सटन को बोला कि ये बंदा यहाँ पर है, इसको साथ में मारेंगे। बट हमारे मैक्सटन भाई कहाँ रुकने वाले, उन्होंने तो बंदे को देखा और पेल दिया भाई, गोलियां ही गोलियां बरसा दी। तो मेरे को लगा भाई ये तो गलत सीन है, मैं उसको इसलिए नहीं मार रहा था कि भाई मैक्सटन भाई के साथ मारूंगा कि कन्फर्म नॉक तो होगा। हालांकि मैक्सटन ने नॉक तो कर दिया, बट आई थिंक वो घर के अंदर घुस गया था, बट सारिक ने तब भी खत्म कर दिया पता नहीं कैसे। तो लाइक हमारे मैक्सटन भाई तो वैसे है ही अलग ही पीस, इनको बताना ही लाइक किल देना ही मतलब एक पाप है, इनको किल देना ही नहीं भयंकर, बताना ही कि बंदा है अपने आप ही मार दो, मतलब अलग ही पीस है। तो अभी इनका एक बंदा नॉक होकर खत्म हो चुका है, जो भी मतलब शारिक भैया ने भले ही प्यार से खत्म करा, अब इनके 3 बंदे बचे हैं। तो मैं यहाँ पे बोला मैक्सटन को कि भाई अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बाकी के बंदों को मारने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दिमाग लगाया कि इन बंदों को बेट करके बाहर बुलाया जाए। मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा है ना, ओके ओके पीछे आ जाऊं। कितने गाड़ी पे? तो अभी इनके और 2 होने चाहिए। मैक्सटन तो गाड़ी लेने जा रहा, मैं यहाँ से पिक करके उड़ा दूंगा उसे, ठीक है। एक और नॉक सर, बैठ आओ, हम अंदर ही उतरे हैं। मैक्सटन अब वो बंदा अपने आपको पता नहीं कौन सा लेजेंडरी स्नाइपर समझ रहा था, मैक्सटन भाई को मारने के लिए ऊपर में पीक ले रहा है। बट उसे क्या पता था कि किंग एंड्रू तो बेट कर रहा है उसका। एक्चुअली वो जैसे ही बाहर आया, मैंने उसके टकले पे जो गोलियां मारी भैया, उसका तो सर व्हाट्सअप फट गया होगा।
वो तो रिंगा रिंगा रोज इस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स हो गया होगा, लिटरली सो गया होगा भाई, उसका पबजी पबजी का कैरियर खत्म हो गया होगा। और अब तक तो लाइक अनइंस्टॉल करके भैया ने लाइक न्यू गेम मारियो खेलना शुरू कर दिया होगा ऑफकोर्स। एनीवेज तो अभी हम लोगों ने बड़े ही प्यार से स्क्वाड वाइप कर दी, कॉज इनके अब आखिरी दो बंदे तो बचे थे वैसे भी, लाइक शारिक और विशाल ने घुस के मार दी। तो अब यहाँ पे इजी स्क्वाड वाइप हुआ, इनके साथ स्कैम हो गया, ये उल्टा हमारे बंदों को मारने आई थी, उल्टा हमने इन्हें ही मार दिया घुमा फिरा के। तो फिर अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब यहाँ रह के फायदा नहीं। कॉज तुम्हें बताऊँ, ये जो दो घर है ना, ये जॉर्ज पोल के आसपास के सबसे बकवास घर है। अब उसका एक सिंपल रीजन ये देखो, अगर तुम यहाँ फंस गए ना, जैसे अभी हम लोगों ने तुम्हें घुमाया, मतलब मैं अभी यहाँ पे जैसे घुमा हूँ, तुम बहुत आसानी से मार जाओगे। लाइक कभी भी इन दो घरों में कैम मत करना, अनलेस इट्स द लास्ट जोन, लाइक आखिरी घर हो या आपके जोन में आखिरी घर हो कोई, तब कर सकते हो, बट नहीं स्टार्टिंग में कभी मत करना, नहीं तो मरोगे हर बार। एनीवेज तो अभी तुम देख रहे हो 45 बंदे अलाइव इतने से जोन में, लाइक हमारी वैसी फट गई थी इतने बंदे देखे। मैंने शारिक को बोला भाई चुपचाप का स्क्वाड है उसमें जाकर के छुपचाप मतलब बैठ जाते हैं शांति से, ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे ना तो लाइक रिंगा रिंगा रोजेस कर देगा हमारा कोई। तो इतने में गाड़ी हमारे पे आके चढ़ गई और इस गाड़ी में से दो बंदे थे और ये लेजेंडरी ब्रोस, पता नहीं क्या पुश मारा भाई इन्होंने, मेरी फट के चार हो गई। भाई ऐसे कौन पुश मारता है बे, बंदों को देखा दो बंदों ने घुस गए आँख बंद करके, आँख मतलब देखा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस गाड़ी उठा कर ही घुस गए। अली की स्वैग था इन लोगों का। एनीवेज तो अभी हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया, कॉज लाइक जोन उस तरफ है। तो हमारे जो शारिक भैया हैं, विशाल भैया अलग गाड़ी में, मैक्सनो में अलग गाड़ी में, हम टू का स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। तो मैं बंदों को ढूंढ रहा था एक्चुअली, मेरे को फायरिंग सुनाई थी, तो तुम्हारा भाई भागा फायरिंग की तरफ कि भाई अब तो बंदे मिल गए किल्स तो मारेंगे। अरे पता नहीं ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे, सस्ते नशे या कुछ, कॉज ये पूरे के पूरे बंदे एक्चुअली ना ये पूरे की पूरी रिज पे पूरे के पूरे फैले हुए थे। तो मैक्सटन यहाँ पे पता नहीं क्यों उतर गया, मैंने उसे बोला था भाई मत उतर गाड़ी में बैठ, बट अब उसका दो केड़े के दिमाग का कोई का समझाए कि भाई लड़ाई के वक्त ऐसे नहीं उतरते ओपन में। उन्होंने मेरी गाड़ी की फाड़ के चार कर दी, फिर टायर तक फोड़ दिया, मतलब टायर के पैसे के तुम्हारे पापा भरेंगे आके यहाँ पे, बताइए अब हैं। गाड़ी इतनी महंगी थी मेरी, फोड़ दिया आकर के। एनीवेज तो अब शारिक ने बोला कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, जोन के बाहर तो जाएंगे नहीं, तो इनको यहीं मारना पड़ेगा। बट अब इन्हें मारना हार्ड है, कौन से जोन के अगेंस्ट में, मतलब रिच के अगेंस्ट में मारना पड़ेगा इन्हें, कॉज इनके पास हायर ग्राउंड है। तो तुम्हारे भाई ने वापस लगाया दिमाग, बोला बेटा ना 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 ना, तुम रिच के ऊपर जरूर हो बट तुम लोगों को अब घुमा फिरा के मारा जाएगा। मैंने गाड़ी उठाई जल्दी से और लेफ्ट से रोटेट मार दिया इनके ऊपर, इनके मुंह को पता ही नहीं चला, इन्हें पता ही नहीं चला इनके साथ क्या स्कैम करा मैंने। मेरे तीन बंदे उधर थे, मैं चुपचाप पीछे से गाड़ी घुमा करके रिज के इधर ला करके खड़ी करके ग्रोजा वरोसा सॉरी ग्रोजा कहाँ से गिल्ली सूट लेके आगे बढ़ पड़ा। मेरे सामने बंदा ओपन में था बट एक्चुअली ना इसको मारने से पहले मैं हल्का सा घबराया हुआ था, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैसअप हुआ। अब मैं तुम्हें सोच रहा कि भाई तो यहाँ पे ऐसा क्या गंदा स्प्रे मारा तूने, तो एक्चुअली मैं सिंपल रीजन बता देता हूँ क्या है। मेरे को पता था कि एक बंदा मेरे को स्पॉट कर चुका है और मेरी तरफ आ रहा है, और तुम देखोगे वो भी यहाँ पे स्कैम हो गया उसके साथ। मेरा भी फटका पड़ा उसको। नाइस थोड़ा आगे जा रहा हूं, कवर दोगे मेरे को इस तरफ से? नॉक के वे पे दूसरी गाड़ी आ रही है कहीं, रुक जा कवर देना गाइस। ऑलराइट नाइस। और अब तो तुम्हें पता ही होगा जैसे ही दो बंदे किसी स्क्वाड के नॉक होते फिर तो भैया आंख उठाओ पैर घुमाओ और घुस जाओ, और लाइक फिर तो सारी भैया विशाल भैया घुस के चमाटा ही चमाटा मार के उनको खत्म कर दिया। और इतने में ये बंदा सांप ओपन में ज्यादा घूम रहा था भाई, इसको क्या बताऊं भाई, लंगर बट रहा है क्या ओपन में ऐसे घूम रहे हो, अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बैठे आप हमें जरा बताइए। यहाँ पे आपको क्या घर वालों ने पैसे नहीं दिए गाड़ी खरीदने के, पबजी खेल रहे हैं आप हैं? पबजी में तो कम से कम गाड़ी लेके घूमी है ना, क्या ओपन में घूम रहा था बंदा, अलग ही स्वैग था और ऊपर से सांप बन गया। लाइक बंदा डीपी मार रहा है, बंदा सांप बन गया। एक होते हैं लेजेंड, फिर होते हैं अल्ट्रा लेजेंड, सब फिर आते हैं ये सांप। एनीवेज तो इस बंदे को नॉक करके मेरे दिमाग में भी चूल मची हुई थी, पता नहीं लाइक इस गेम में मेरे को फ्लैंक और स्ट्रेटेजी बनाने की क्या चूल मची थी भाई। भाई मेरे स्क्वाड ने कहा एंड्रू हम जोन जा रहे हैं, मैंने कहा जाओ बेटा जाओ, मैं इन्हें घुस के मार के आऊंगा। लाइक लिटरली ना मैंने अकेले मारने चला गया, मैंने कहा मैं इनको जोन में ही नहीं घुसने दूंगा। मैंने गाड़ी लेफ्ट से घुमाई और जा करके जहाँ पर जो पत्थर था, जो पास में लाइक इनके पास में जो पत्थर था, यहाँ पर ले जा करके मैं चुपचाप गाड़ी रोक के खड़ा हो गया इनके मुंह पे कि आओ बेटा तुम्हें बताते हैं कैसे खेलते हैं पबजी,
बट इतने में वो लोग गाड़ी ऊपर से लेकर के भाग गए। वो तो किस्मत अच्छी थी, गलती से अगर वो मेरे डायरेक्शन से आ जाते ना, एक स्प्रे पड़ता इन चारों को और चारों को लेटा देता मैं। बट अभी ने कहा पता था कि किंग एंड्रू ऐसे तो जाने नहीं देगा, नहीं तो मैं गाड़ी लेके इनके पीछे पड़ गया। मैं लेफ्ट जा रहा था कि जिसी तरीके से इनको पकड़ लूं, बट ये मेरे को दिखे ही नहीं। फिर पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए और फिर मेरे को चारों तरफ से गोलियां पड़ने लगी और मेरी फिर फटके तो चार हुई है भैया। हाय 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 हाय, जहाँ जाओ वहाँ बंदे, जहाँ जाओ वहाँ बंदे। यहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई जहाँ गाड़ी रोकूंगा वहाँ फटके चार हो जानी है मेरी। तो फिर मैंने सोचा भाई अब मैं गाड़ी रोक तो सकता नहीं, तो मेरे को एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे मेरे को एडवांटेज हो थोड़ा गाड़ी रोकने का। तो फिर मैं देखा कि लेफ्ट में पहाड़ है, और फिर तुम्हारा भाई को पता है कि हाई ग्राउंड अगर किसी भी गेम में हो, चाहे फोर्टनाइट हो, पबजी हो, हाई ग्राउंड जब भी तुम्हारे पास होगा ना, तुम वो फाइट बहुत ईजिली जीतोगे। फिर भाई यहाँ पे वही स्कैम कर दिया तुम्हारे भाई ने। Why me? Enemies ahead. Enemies ahead. तो इन लोगों को मारने के लिए सीरियसली भी इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि मैं बन एचपी पर ये डीपी मारे जा रहा हूँ स्टॉप कॉस। ये लोग जोन के बाहर हैं और अब इनका जोन काटना इंपॉर्टेंट था। मेरे को बहुत बुरा लगा यार, ये सारे के सारे बंदे रिवाइव हो गए, विशाल ने मार दिया। एक्चुअली मैं चौथा बंदा भी मारना चाह रहा था जिससे मेरे को चार किल मिल जाते, बट मेरी किस्मत ही खराब थी भयंकर, ये सब उड़ गए। तो फिर मैंने सोचा भाई अब इन बंदों को देखने दो जो भी कर रहे हैं, मैं जाके अब आगे का रास्ता देखता हूँ। कॉस मैं इन गेम लीडर ऑफ कॉस, तो मेरे को ये सब देखना पड़ेगा। इन उपड़े तो देखेंगे नहीं जाकर के मेरे मैक्शन भाई जैसे प्लेयर, तो कि आगे जाकर के देख ले कि आगे का रास्ता साफ है कि नहीं। वो तो आराम से बैठ के टीपी भी लेंगे ऊपर में, उन्हें कहा बताएं बस। तो मैं ऐसे जा रहा था, हल्के में कोई सांप मिल गया तो मैंने सांप को डस लिया जाते जाते, लाइक ये मेरे को कहाँ डसेगा बच्चों, हमने डस लिया आपको, हम कछुए नहीं हैं, हम कछुए हैं, हम आपको डस चुके हैं, बस खत्म बात। तो मेरा यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी अब यहाँ पर ये था कि भाई जितने भी बंदे बचे हैं ना वो जोन के अंदर होंगे, ऑफकोर्स कोई पोजिशनिंग देख चुका हूँ मैं पूरी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जोन में जाता हूँ जल्दी से, और जाकर के ना अपने टीममेट्स लाने के लिए खाली करता हूँ रास्ता, कि वो आकर के कम से कम सेफ तो बैठे, अगर मरूँ तो मैं मरूँ, मेरी टीममेट्स सही जगह जाएँ। तो मैंने मैक्सटन भाई को नीचे से ऊपर बुला लिया बैकअप के लिए, और फिर तो भाई तुम्हारा भाई जो ऊपर घुसा है, घुसा के मार दिया भाई, घुसा के मार दिया। एनिमीज अहेड, enemies ahead, revive kar raha, enemies ahead, first holder। तो यहाँ पे मैंने हिसाब बराबर कर लिया ऑफकोर्स, और साथ में से ब्राइब भी मांग ली कि है मैं एक्सटन भाई अगर जिंदा रहना था फर्स्ट एड दे तो शांति से। तो मैं एक्सटन भाई की तो वैसे ही फटी हुई थी, सोच रहे थे कि भाई अगर जोन के बाहर हूँ एक तो लाइक अगर मर गया तो भाई केड़ी वेड़ी के वैसे लगे हुए हैं, दो केड़ी एक केड़ी की ना हो जाए। तो मैंने कहा भी तो पहले फर्स्ट एड निकाल जल्दी से, पहले मैं अपनी हेल्थ मारूंगा उसके बाद तेरे को रिवाइव करूंगा। तो उसने चुपचाप फर्स्ट एड दे दिया। एक्चुअली मैं बताऊं तो कभी भी कम एचपी पे रिवाइव मत करो कॉस्ट, तुम्हें पता नहीं कब तुमको गोलियां पड़ने आके शुरू हो जाए, तो हमेशा हाई एचपी रखो ऑन सीरियस पॉइंट। तो वही यहाँ पे मैंने इसे चुपचाप एक फर्स्ट एड मांगी थी कि भाई प्लीज एक फर्स्ट एड दे दे भगवान के नाम पे, भाई मेरे पे घंटा कुछ नहीं फर्स्ट एड के नाम पे। तो अब दो बंदे बचे, इन पे हमने पुश कर दिया। तो मैं जाके टीवी भी सीपी भी ले रहा था, चुपचाप जा रहा था, और इतना मैं मेरे को नोबड़ा बंदा कूदता हुआ दिखा, और उसको मैंने रास्ते में हवा में सुपरमैन पंच मार के इसको लाइक बैटमैन बनाकर इसको पिकाचू बना के मार दिया। और इसके अंदर पूरी स्ट्रेटेजी बना के दिमाग समय गेम खेलना पड़ा, हल्की सी भी गलती होती तो हम चारों का स्वाहा होकर क्रेड बन गए, दो केडी का गेम प्ले हो जाता। बट एनीवेज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पर नए हो तो, बिल्कुल मत भूलना। मैं भी लगा ब्रांड न्यू बहुत ही जल्दी, और मैं एक्सटन भाई हमने आपकी जान बचाई है, इसलिए आज इसी बात पे आपको 5 कप चाय बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा?
पांच कप चाय। हाँ सही बोल रहे हैं आप, चलिए जाइए बनाइए आज भी। शुरू हो जाइए, अपने अदरक डालना मत भूलना और दो कीड़े का मिक्सचर डालना मत भूलना। हैशटैग मैक्सिन चाय वाले इन द चैट गाइस, और नॉक्स क्लीनर को जरूर सपोर्ट करना फ्रेंड्स।